हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में जो है हमने कन्वर्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि हैलोजेंस के जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शंस है उनसे जितने भी कन्वर्शन हो सकते थे मैंने बताया। अब जो है सेकेंड कैटेगरी का रिएक्शन हैलोजेंस जो एग्जीबिट करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो हैलोजेंस का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वह होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन याद करो कि जब बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था मैंने, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि इसमें होता क्या है कि सब्सट्रेट मॉलिक्यूल से एटम्स या एटम का ग्रुप्स जो है रिमूव हो करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और एलिमिनेशन रिएक्शन का जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है वह क्या है कि मॉलिक्यूल सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो जाता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड जाकर के पाई में कन्वर्ट होता है। यदि सब्सट्रेट में केवल सिंगल है तो प्रोडक्ट में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं, यदि सब्सट्रेट में डबल है तो वहां जाकर के ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, मतलब अनसैचुरेशन बढ़ जाता है। तो जब कभी भी किसी रिएक्शन के दरमियान सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो जा रहा हो तो समझ जाओ कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। तो एलिमिनेशन का क्लासिफिकेशन मैंने बताया था अलग अलग, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और एक था गामा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन में क्या बताया था मैंने कि जब दो एटम का रिमूवल सेम कार्बन एटम से हो तो अल्फा कहलाएगा, यदि दो एटम्स का रिमूवल अगल बगल के कार्बन एटम से हो, एडजेसेंट कार्बन एटम से, तो बीटा एलिमिनेशन, और यदि वन थर्ड मतलब अल्फा और गामा पोजीशन से हो तो उसको गामा एलिमिनेशन बोलते हैं। हैलोजेंस के केस में जो इंपॉर्टेंट होता है ना वह है बीटा एलिमिनेशन, मतलब हैलोजेंस में जो है रिमूवल जो ग्रुप का होता है वह हमेशा एडजेसेंट पोजीशन से होता है, वन टू पोजीशन से। सो बीटा एलिमिनेशन इज मोस्ट कॉमन फॉर हैलोजेंस। अब बीटा एलिमिनेशन मैंने क्या बताया कि वन टू एलिमिनेशन समझो, कि दो ग्रुप का जो रिमूवल होगा वन टू पोजीशन से होगा ना, ऐसा मतलब सपोज ये हैलोजेन दिया हुआ है, एक्स यहां हाइड्रोजन दिया हुआ है ऐसे, तो इसका एलिमिनेशन करें, पोजीशन वन कर दे, इसको पोजीशन नंबर हम लोग टू कर दे, तो क्या होता है इस तरह का प्रोडक्ट ऐसा, मतलब इस कार्बन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को यहां कर दो, इसको यहां से बाहर कर दो, तो एच और एच एच पार हो जाएगा, तो सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जा रहा है डबल बॉन्ड में, फॉर्मेशन किसका हो जा रहा है एल्कीन का फॉर्मेशन। ये जो वन टू पोजीशन से दो ग्रुप का रिमूवल हो रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। अभी बीटा एलिमिनेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने बताया था कि बीटा एलिमिनेशन जो है आगे तीन कैटेगरी के होते हैं, ई1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन और इसके बाद E1CB एलिमिनेशन। तो ये तीनों एलिमिनेशन के बारे में जो है डिस्कस किया है मैंने। E1 एलिमिनेशन जो है जस्ट लाइक SN1 मतलब यह दो स्टेप में होगा, इंटरमीडिएट इसमें क्या बनेगा कार्बोकेटायन। E2 इज जस्ट लाइक SN2 सिंगल स्टेप होगा, कोई इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है बल्कि क्या बनता है ट्रांजिशन स्टेप। और E1CB जो है इसमें कार्बेनायन बनता है एज ए इंटरमीडिएट। तो तीनों के बारे में शॉर्ट डिस्कशन जो है हम लोगों ने करके रखा है। अभी जब रिएक्शन हम लोग देखेंगे हैलोजेन का एलिमिनेशन रिएक्शन में, तीनों मैकेनिज्म जो है यूज होंगे, कहां कौन सा मैकेनिज्म यूज होगा वह रिएक्शन के दरमियान जो भी हम लोग देखेंगे। उसके पहले आप लोग जो है तीनों रिएक्शन को देख लोगे जो वीडियो में मैंने बताया था, एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक। तो हैलोजेन का जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है ना, एटम या ग्रुप का जो रिमूवल होता है एलिमिनेशन रिएक्शन में, उसमें रिमूवल होता है एक हाइड्रोजन का और एक हैलोजन का। अब यदि किसी रिएक्शन के दरमियान एक हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ हैलोजेंस। इस डी का मतलब हुआ रिमूवल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और डी आ रहा है डी, तो डी का मतलब रिमूवल, डी
हाइड्रोहैलोजिनेशन है, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल। वैसे ही डीहैलोजिनेशन केवल हो, मतलब केवल हैलोजन हटेगा, डिहाइड्रेशन वाटर हटेगा, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप हटेगा, तो डी का मतलब हम याद रखेंगे रिमूवल। तो इस बार हेलो एल्केन से किसका रिमूवल होने वाला है, हाइड्रोजन और हैलोजन का। तो याद रखेंगे कि जब कभी भी किसी हैलोजन कंपाउंड मतलब हेलो एल्केन का रिएक्शन कोई बेस से करवाते हैं तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन हट करके जो है प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। ऐसा इन जनरल हम लोग हेलो एल्केन ले लें, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हैलोजन। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा उस कार्बन को बोलेंगे अल्फा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है अल्फा कार्बन, अल्फा के बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं बीटा। तो एलिमिनेशन के दरमियान याद रखोगे रिएक्शन किसे करवाते हैं लोग, बेस से। बेस के जगह पे यहाँ कुछ भी ले सकते हो, चाहे बेस में आप अमाइड ले सकते हो NH2- हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, अल्कोक्साइड ले सकते हो, ऐसा। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोकेन का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाते हैं तो बेस हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं अल्कोक्साइड, ऐसा। इस अल्कोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो बेस का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। कैसे रिएक्शन होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा। अभी जो हाइड्रोजन यहां होता है ना, क्योंकि इसका बॉन्ड हट जा रहा है तो ऑब्वियसली इस पर प्लस चार्ज आने वाला है, यहां जो आप बेस लोगे उस पर रहेगा नेगेटिव। कि बेस क्या करेगा, H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, बेस मतलब H+ आयन एक्सेप्टर। तो यह बेस इस H+ आयन को ले लेगा, तो H+ आयन चला गया बेस के साथ और जो हैलाइड आयन निकलेगा वो फिर कोई कैटायनिक पार्ट से जाकर के जुड़ेगा। तो प्रोडक्ट यहां से क्या बनने वाला है, ऐसा डबल बॉन्ड C। अभी बेस तो इसके साथ जुड़ गया, X- यहां से बाहर हो जाएगा और ये बेस मान लो यदि B है तो BH पार्ट अलग हो जाएगा, ऐसा। तो याद क्या रखना है लोगों कि डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के दरमियान हैलोजन को हमेशा अल्फा कार्बन से हटाएंगे, हाइड्रोजन को हमेशा बीटा कार्बन से हटाएंगे और अल्फा बीटा कार्बन के बीच में हम लोगों को क्या दे देना है, डबल बॉन्ड दे देना है। अभी जो तीन मैकेनिज्म मैंने अभी बताया E1, E2, E1, C, कैसे कैसे तीनों होगा जरा इसको देखो। E1 एलिमिनेशन में क्या होता है, दो स्टेप में होता है। नंबर वन कि जो हैलोजन कंपाउंड होता है इससे सबसे पहले हैलाइड आयन बाहर होकर के कार्बोकेटायन बनता है, ये हाइड्रोजन रहेगा इस पर आ जाएगा प्लस, दिस इज कार्बोकेटायन और ये हैलाइड आयन बाहर। सेकेंड स्टेप में इसमें क्या होता है कि जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना है, ऐसा, अब यहां से तुम इस्तेमाल करो बेस का, तो बेस क्या करेगा कि इस H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, E जो है बॉन्ड यहां, ऐसा। तो E जो है बेस के साथ हाइड्रोजन हो गया। तो E1 मैकेनिज्म हुआ तो ऐसे कि पहले हाइड्रोजन हटेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, अब कार्बोकेटायन से फिर जो बीटा वाला कार्बन है उससे हाइड्रोजन, माने अल्फा बीटा ऐसा हुआ, तो फिर बीटा वाला कार्बन से हाइड्रोजन निकल करके जो है फॉर्मेशन होगा किसका, अल्कीन का। यदि रिएक्शन E1 पाथ को फॉलो कर रहा है तो मान ले कि यदि E2 है तो E2 तो एक ही स्टेप में होता है, ऐसे एक स्टेप में हो जाएगा रिएक्शन, एक स्टेप में कैसे होगा। तो सपोज यह हेलो एल्केन है और यहां लोगों ने बेस लेके रखा है B-, एक स्टेप में यहां से बॉन्ड ऐसे धीरे धीरे टूटेगा, E बॉन्ड यहां स्किप करेगा और ये बेस H को लेगा, इसमें एक ट्रांजिशन स्टेप बनेगा। और ट्रांजिशन स्टेप कैसा बनेगा तो देखो, E बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है तो यहां दिखाएंगे पार्शियल बॉन्ड X, यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो पार्शियल डबल बॉन्ड, E बॉन्ड भी टूट रहा है तो पार्शियल बॉन्ड H, और फिर B-H के साथ बॉन्ड बना रहा है तो पार्शियल बॉन्ड B, ऐसे। दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। फाइनली होगा क्या कि X बाहर, E बॉन्ड यहां और इसके साथ, तो फिर ऐसा बन जाएगा इस तरह से अल्की सवाल हो जाएगा अपना H- माइनस वगैरह यहां से, अभी H बेस के साथ जुड़ जाएगा। तो E2 में एक ही स्टेप हुआ और दोनों काम एक साथ, ये हैलोजन का हटना और हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट करना,
दोनों एट या टाइम। अब बात करें हम लोग इवन सीबी मैकेनिज्म का। इस सीबी का मतलब मैंने बताया है कंजुगेट बेस। यदि कोई सब्सटेंस अपना H+ आयन लूज कर दे तो उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज बनेगा वह उसका कंजुगेट बेस कहलाएगा। तो इसमें क्या होता है, यह भी जो है दो स्टेप में होता है। और ये दो स्टेप में कैसे होता है, तो सबसे पहले इसमें जो है कि कोई बेस जो रहता है ना, वह बेस क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ले लेता है। तो इलेक्ट्रॉन कार्बन पे और हाइड्रोजन पर जो प्लस आने वाला है तो बी माइनस इसको लेगा और कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक्स और कार्बन पे नेगेटिव मतलब इसको हम बोलेंगे कार्बन आयन। अब सेकेंड स्टेप में फिर आगे क्या होता है ना कि जो कार्बन आयन बना है ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा, यहां से एक्स माइनस बाहर ऐसा। अब इवन सीबी देखोगे ना तो इवन का प्रॉपर उल्टा दिखाई दे रहा है लोगों को। इवन में क्या था कि पहले हेलोजन हट करके कार्बो केटायन बना रहा था, मतलब पहला स्टेप में वहां हेलोजन हटता था, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन। यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पहला स्टेप में हाइड्रोजन हट रहा है, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन, वहां कार्बो केटायन बन रहा था, इस बार हम लोग का कार्बन आयन बन रहा है। अभी तीनों में से कोई भी मैकेनिज्म ऑपरेट हो सकता है रिएक्शन के दरमियान, वह डिपेंड करता है हेलोजन कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे, रिएक्शन कंडीशन पे कि आप सॉल्वेंट कैसा लिए हो, उसका सब्सटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, बेस कैसा लिए हो, इन सारी बातों पे डिपेंड करता है कि कौन सा मैकेनिज्म ऑपरेट होगा। जनरली जब डी हाइड्रोहैलोजिनेशन हम लोग करवाते हैं इस केस में मोस्ट कॉमनली जो है इवन ऑपरेट होता है, और यदि सॉल्वेंट वगैरह का नेचर चेंज करोगे तो ई टू। इवन सीबी जो है रेयरली ही ऑपरेट होता है। इवन सीबी जो है ना उसी रिएक्शन में होगा जिसमें बीटा कार्बन, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा। यदि बीटा कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वैसे रिएक्शन में इवन सीबी मैकेनिज्म ऑपरेट हो सकता है। तो बीटा कार्बन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना क्यों जरूरी है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जा रहा है। तो यदि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा, यार ग्रुप जो है इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, फिर इसका स्टेबिलिटी जो है इंक्रीज कर जाएगा। खैर इन सारी बातों को जो है हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं मेन कि इसका डी हाइड्रोहैलोजिनेशन कैसे होगा हेलो एल्केन का। तो हेलो एल्केन में जो है ना हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बेस का वह होता है अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH। ऐसा KOH या NaOH के बारे में मैंने बताया कि KOH और NaOH जो है दोनों व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, सॉल्यूशन आइदर आप वाटर में बना सकते हो या अल्कोहल में। इस बार जो सॉल्यूशन हम लोग को बनाना है वह किसमें बनाना है, अल्कोहल में बनाना है। तो यदि अल्कोहल में सॉल्यूशन बनाते हैं तो कैसे, अल्कोहल में भी मोस्ट कॉमनली इथेनॉल, इथेनॉल का इस्तेमाल करें हम लोग, CH3CH2OH। इथेनॉल ऑलरेडी लिक्विड होता है, सपोज इसमें हम लोग KOH मिला रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं ना कि इथेनॉल में जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा होता है, क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन इस तरह से। यदि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेता हो तो ऑक्सीजन पे माइनस और हाइड्रोजन पे क्या जाएगा प्लस। अब जो इधर KOH लेकर के रखे हो K प्लस OH माइनस, OH माइनस होने के चलते ही अभी यहां काम करेगा बेस का। OH माइनस क्या करेगा, इसके H प्लस को ले लेगा, मतलब इथेनॉल H प्लस आयन दे रहा है और KOH H प्लस आयन ले रहा है, तो H प्लस आयन डोनर है इसलिए काम करेगा इस रिएक्शन के लिए, और यहाँ H प्लस आयन एक्सेप्टर है इसलिए काम करेगा बेस का। तो ऐसा कुछ बनने वाला है CH3CH2O- प्लस, ये K प्लस आकर के यहीं जुड़ जाएगा इस तरह से, और ये OH- और H+ मिलकर के हो जाएगा H2 ऐसा। अभी जो बना है ना पोटासियम इथॉक्साइड, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग OH- भी यहां बेस है और ये अल्कोक्साइड आयन जो है यह भी बेस,
दोनों बेस क्यों है, क्योंकि दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों एच प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब दोनों पे नेगेटिव चार्जेस से दोनों काम करेगा बेस का, और मैंने बताया कि यह जो है इसके तुलना में स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस कैसे हुआ तो उसको जरा देखो, जैसे एच ओ माइनस और यहाँ है सी टू एच फाइव ओ माइनस। बेस का काम क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है एच प्लस को गेन करेगा। अब एच प्लस को जितना जल्दी गेन करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एच प्लस को जल्दी गेन कब करेगा, जब ऑक्सीजन पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होगा। देखो जरा कि हाइड्रोजन को हट करके जो है यहाँ C2H5 आ गया है, हटा करके C2H5 जो है ना, दिस वन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑल अल्काइल ग्रुप पोजेस प्लस साइड इफेक्ट, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फैक्टर यहाँ पे आ गया है। अब चूंकि इस इथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट है, या इथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन के तरफ, तो ऑब्वियसली इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो फिर उतना ही जल्दी एच प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हाइड्रोक्साइड आयन से जो है मजबूत बेस हुआ कौन सा, इथॉक्साइड। अब यहां जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप लोगे ऑब्वियसली वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सपोज यहाँ इथाइल की जगह आप आइसोप्रोपाइल ले दो, ऐसा दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलेगा है, इसके जगह आप टर्शियरी ब्यूटाइल ले लो और भी स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाला है, ऐसा ये सब इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप है ना, इतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा इसको। तो जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप रहे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो जब हम लोग हेलोजन का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करवाते हैं तो बेस हम लोग क्या लेते हैं, इस केस में अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH, तो ये आपस में रिएक्शन करके देता है अल्कोक्साइड, एंड दिस अल्कोक्साइड इज या स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस मींस हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन पे हम लोग आते हैं, अच्छा CH3 CH2 CN, इसका रिएक्शन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ हीट करो, ऐसा। तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, उसके बगल वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा। क्या फैक्टर मैंने बताया कि अल्फा कार्बन से हटाओ हैलोजन, बीटा कार्बन से हटाओ हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा के बीच में क्या दे देना है, डबल बॉन्ड। मैकेनिज्म तो ऑलरेडी हम लोगों ने देख करके रखा है, तो अल्फा से हैलोजन हटाओ, बीटा से हाइड्रोजन हटाओ, दोनों के बीच डबल बॉन्ड, ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से हो जाएगा। या इसको ऐसे दिखाओ, चलो ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन निकला, यहां से हैलोजन, मतलब क्या निकला, HCl। अब ये HCl जो है जाकर के KOH से रिएक्शन कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा KCl प्लस H2O। ऐसे दिखा सकते हैं ना, HCl एसिड है और KOH बेस का काम किया, तो ये सॉल्ट और ये वाटर, KCl प्लस H2O। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा, इसी को बोलेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, और ऐसे करने से प्रोडक्ट यहाँ क्या बनने वाला है, अल्कीन। फिर मान लो कोई ऐसा रिएक्शन है CH3 CH2 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 Br, और फिर इसको ऐसे ही अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH के साथ हीट करो, या फिर ऐसे करो, चलो ऐसे ही रहने दो CH2। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा, इसके बगल वाले को हम लोग को बोलना है बीटा। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, और दोनों के बीच क्या दे देना है, डबल बॉन्ड, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और साइड प्रोडक्ट में ऐसा ही कॉमन निकलेगा, इस पर बाहर निकलने वाला है KBr प्लस H2O, ऐसा। कोई साइक्लिक कंपाउंड हो सकता है, सपोज क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो, ऐसा। तो देखो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, तो यहां कार्बन है बीटा, यहां कार्बन है बीटा, दो दो बीटा कार्बन हो गया। दो दो बीटा कार्बन है, तो देखना होगा कि दोनों बीटा कार्बन आइडेंटिकल है या अलग अलग है। तो इस बीटा कार्बन को देखो, इस बीटा कार्बन में जो है ना अगल बगल दो बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ दो हाइड्रोजन है। वैसे इसको भी देखो, यहाँ भी अगल बगल दो बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ
तो मतलब यहाँ जो दो बीटा कार्बन है ना, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, तो आइडेंटिकल है, तो किसी का भी हाइड्रोजन आप हटा सकते हो। यदि यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आएगा, और यदि यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो डबल बॉन्ड इस जगह पे आएगा। ऐसा अल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाए तो क्या हो जाएगा, यदि यहां से हाइड्रोजन हटाए तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, या फिर और यहां से हाइड्रोजन हटाए तो डबल बॉन्ड ऐसे भी आ जाएगा। दोनों केस में प्रोडक्ट सेम है, साइक्लोहेक्सीन। तो जब दो बीटा कार्बन हो, दोनों आइडेंटिकल हो, तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन का रिमूवल करोगे, प्रोडक्ट जो है उस केस में आइडेंटिकल होने वाला है। तो इस तरह से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा था। अब जो यहां एक इंपॉर्टेंट बात आता है वह क्या है, अल्कोहलिक सेम रिएक्शन में यदि हम लोग यहां इस्तेमाल करें एक्वस KOH, अल्कोहलिक मतलब सॉल्यूशन बना हुआ है अल्कोहल से इथेनॉल, और एक्वस KOH मतलब सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर, तो एक्वस KOH लेने से यहां कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2OH इथेनॉल बन जाएगा। मतलब यदि आप सॉल्वेंट अल्कोहलिक लेते हो तो यहां होने वाला है एलिमिनेशन रिएक्शन, और यदि आप एक्वस लोगे तो यहां होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर इस सॉल्वेंट में वैसा क्या रह गया कि अल्कोहलिक इस्तेमाल किए तो एलिमिनेशन होकर के अल्किल बना, और जब एक्वस इस्तेमाल किए तो सब्स्टिट्यूशन होकर के अल्कोहल बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ऐसे आगे बुक में भी दिया हुआ है कि जब हेलोअल्केन का रिएक्शन एक्वस KOH या NaOH से करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल, लेकिन जब अल्कोहलिक KOH से करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा अल्किल, क्यों? या फिर ऐसा भी आ सकता है कि जब हेलोअल्केन का रिएक्शन पोटासियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम बताना पड़ेगा आपको कि अल्कोहलिक यदि रहे सॉल्वेंट में अल्कोहल तो एलिमिनेशन होकर के अल्किल बनेगा, और यदि सॉल्वेंट में हो वाटर तो सब्स्टिट्यूशन होकर के अल्कोहल बनेगा। क्यों होता है उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग जाने। तो KOH को यदि डिजॉल्व करें वाटर में तो वाटर जो है ना हाईली पोलर सॉल्वेंट, तो हाईली पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा कि KOH का आयोनाइजेशन हो जाएगा, और आयोनाइजेशन होकर के जो है ये बनाएगा K+ और OH-। ऐसा। लेकिन यदि KOH में सॉल्वेंट हम लोग इस्तेमाल करें इथेनॉल, ऐसा C2H5OH, तो अभी मैंने बताया था कि C2H5OH के साथ रिएक्शन करके बनाता है अल्कोक्साइड, मतलब यहां हो जाता है कुछ एसिड बेस का रिएक्शन, और इस तरह का बनेगा ये C2H5O-K++H2O। तो यहां बना अल्कोक्साइड, यहां बना हाइड्रोक्साइड। ऐसा। अब बात ये है ना कि जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज, जिस पर भी नेगेटिव चार्ज है वो दोनों के जैसा बिहेव कर सकता है, आइदर बेस और न्यूक्लियोफाइल। वही देखिए हम लोग यहाँ OH- जो है इसमें भी ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ जो अल्कोक्साइड है मतलब इथोक्साइड इसमें भी ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब दोनों काम कर सकता है बेस का और दोनों काम कर सकता है न्यूक्लियोफाइल का। ऐसा। अब बात है कि दोनों में से बेस स्ट्रॉन्ग कौन हुआ और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग कौन हुआ। बेस क्यों बोलेंगे, तो बेस का मतलब कि H+ आयन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल का बोलेंगे जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, मतलब ऐसा इस तरह का H और यहां हो X, है ना, नेगेटिव चार्ज वाला कोई स्पीसीज है। ऐसा यदि यह नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज हाइड्रोजन को लेता हो तो ये काम करेगा बेस का, लेकिन यदि वही नेगेटिव चार्ज वाला स्पीसीज हाइड्रोजन को नहीं ले बल्कि जाकर के कार्बन पे अटैक करे तब ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। याद रखो
कि यदि कोई नेगेटिव चार्ज वाला स्पीशीज हाइड्रोजन को ले रहा है बेस हो गया, और यदि वह कार्बन पे अटैक कर रहा है तो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। तो यहाँ तो ये दोनों पे नेगेटिव चार्ज है ना, यहाँ भी और यहाँ भी, तो दोनों बेस का भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। अब बात है कि दोनों में स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा, तो अभी डिस्कशन किए थे हम कि OH- माइनस की तुलना में जो इथॉक्साइड आयन है वह स्ट्रॉन्ग बेस है। रीजन कि यहाँ हाइड्रोजन हट करके अल्काइल ग्रुप आ गया, और अल्काइल ग्रुप इज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा, ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, तो वह उतना ही जल्दी इस एच प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के तुलना में अल्कोक्साइड आयन जो है वह एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो अल्कोक्साइड आयन इस रिएक्शन में काम करने वाला है बेस का, लेकिन जो वहां OH माइनस होता है ना वह काम करता है न्यूक्लियोफाइल का। यही बड़ा डिफरेंस है कि जब आप KOH को वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, और यह एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। लेकिन यदि उसी चीज को आप अल्कोक्साइड आयन में इथेनॉल में डिजॉल्व करोगे तो वहां जो इथॉक्साइड आयन बनता है वह स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑब्वियसली यह बेस है तो ये सबसे पहले प्रीफर करेगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन लेना चाहेगा, और यह न्यूक्लियोफाइल है तो ऑब्वियसली यह प्रीफर करेगा कार्बन को। तो यदि OH लेते हो तो कार्बन को यहाँ रिप्लेस कर देगा, मतलब कार्बन पे अटैक करके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा OH से, तो प्रोडक्ट बन जाएगा अल्कोहल। लेकिन यदि यहाँ आप लेते हो अल्कोक्साइड आयन हाइड्रोजन और यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन लेते हो ऐसा C2H5O-, तो ये प्रीफर करेगा हाइड्रोजन को, और इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा अल्कीन बन जाएगा इस तरह का। तो वह डिपेंड करता है यहाँ का नेचर पे कि यहाँ आप क्या लिए। अब यहाँ बताया कि जितना बड़ा ग्रुप लोगे वह उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनते जाएगा और एलिमिनेशन रिएक्शन उतना ही फास्ट होते जाएगा। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों यहाँ कॉम्पिटिटिव रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे को कम्पीट करेगा। ज्यादा क्या होगा एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, इस सारा बात निर्भर करता है यहाँ जो आप बेस लिए हो इस पे। यहाँ जितना बड़ा बेस लोगे मतलब जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप लोगे एलिमिनेशन रिएक्शन का पॉसिबिलिटी उतना ही बढ़ते जाएगा, और जितना छोटा ग्रुप लोगे उतना ही सब्स्टिट्यूशन का पॉसिबिलिटी बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटा में तो यहाँ हाइड्रोजन हुआ ना, हाइड्रोजन के अलावा आप CH3 लेते हो फिर भी तो बड़ा हो गया, तो हाइड्रोजन चूंकि सबसे छोटा ग्रुप है मतलब इस सब में से जो है सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसलिए हमेशा सब्स्टिट्यूशन ही करेगा, और अल्कोक्साइड हो गए तो वह हमेशा एलिमिनेशन ही करेगा। तो यह एक्सप्लेनेशन हुआ, इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान में रखोगे, नोट्स में भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अब यदि कुछ इस टाइप का हो CH3, CH2, CH, CH, CH3 ऐसा, और इसका रिएक्शन सपोज हम लोग करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH से, या अल्कोहलिक KOH नहीं लिखे हम लोग यहां बेस लिखे, कोई भी बेस, तो बेस की जगह B- लिखे ज्यादा बेहतर रहेगा ऐसा B- माइनस लिखते हैं। अब देखो जरा हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अल्फा, बगल वाला बीटा, ये हुआ बीटा, इसके बगल में भी जाओ ये भी हुआ बीटा, इस बीटा कार्बन में दो हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन में जो है कितना हाइड्रोजन है तीन है, यहाँ से पौटा करके जेंद्र को हाइड्रोजन ऐसा। तो यहाँ दो हाइड्रोजन यहाँ तीन हाइड्रोजन है, दोनों अलग अलग केस हुआ, तो दोनों अलग अलग केस हुआ तो भाई दोनों बात हो सकता है। दोनों बात क्या कि यदि हम लोग हाइड्रोजन यहाँ से आते हैं, हाइड्रोजन तो यहीं से हटने वाला है ना अल्फा से, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, तो यदि यहाँ से हाइड्रोजन हटाओगे तो ये दोनों के बीच डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3, दिस इज टू ब्यूटेन। सेकेंड केस में कि यदि आप हाइड्रोजन ई वाले बीटा कार्बन से हटाओ ऐसे, तो यहाँ से हटाओगे तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा बनेगा। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बना, वन ब्यूटीन बन गया इस तरह से। तो दो दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए दोनों केस में जो है दो अलग अलग प्रोडक्ट बना, यहां वाले से टू ब्यूटीन, यहां वाले से वन ब्यूटीन। अभी जब दो दो प्रोडक्ट बन रहा है तो बात आता है कि दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, टू ब्यूटीन ज्यादा बनेगा या फिर वन ब्यूटीन ज्यादा बनेगा। तो यह डिपेंड करता है कंडीशन पे, कंडीशन कहने का मतलब कि इस बेस पे
इस हैलोजन एटम पे और इसके स्ट्रक्चर पे कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। यदि किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने का पॉसिबिलिटी हो और प्रीफर करके कोई एक ही प्रोडक्ट बने तो इस बात को हम लोग क्या बोल रहे थे, रिजियो सेलेक्टिविटी। तो यहां ये राइट होगा रिजियो सेलेक्टिविटी। अब रिजियो सेलेक्टिविटी के दरमियान कौन सा प्रोडक्ट कैसा बनेगा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक आप लोग इतना करके रखो। धन्यवाद।